लाखों के आप सभी को जय गंगा मैया की। आप देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा हर की पौड़ी हरिद्वार। और आइए मैं आपको पूरी हर की पौड़ी के दर्शन भी कराऊंगा आज, और बताने वाला हूं कि हर की पौड़ी पर ही नहाना महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने गंगा स्नान करते समय 5 डुबकियाँ लगाई, जो कि 5 डुबकियाँ लगाना शास्त्र में अच्छा बताया गया है। हमने गंगा जी में स्नान कर लिया है और आपको दर्शन कराएंगे हर की पौड़ी के। मेरे प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है जब देव और दानवों में अमृत को लेकर छीना झपटी चल रही थी, तो उसमें से थोड़ा सा अमृत छलका और वो छलक कर हर की पौड़ी गंगा नदी में आ गिरा, और तभी से यहाँ पर हर की पौड़ी पर नहाना महत्वपूर्ण माना गया है। और ये अमृत 4 जगह झलका और 4 जगह कुंभ भी लगाया जाता है, उनमें से एक हरिद्वार भी है। ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जेपी ब्लॉग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हरिद्वार में मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी मई के महीने में। सोमवती मावस का नहान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिद्वार में बहुत जबरदस्त भीड़ है, यहाँ पर लाखों की जनसंख्या में हम लोग लाखों की जनसंख्या। अभी भी आप तीर्थ स्थान पर ना आए, आना है तो फिर। सभी भक्तों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भीड़ भाड़ हो तो बड़े बुजुर्गों को नहीं आना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब भीड़ ना हो तब आएँ, बहुत अच्छे दर्शन होंगे आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। जय गंगा मैया की।